दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मिनी स्विट्जरलैंड, जो कि बाइसन वैली के नाम पे बहुत ही फेमस है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज मेरा डे 4 है कश्मीर में और आज हम लोग जा रहे हैं बेलगांव होटल से। अभी चेकआउट करेंगे, अभी यहाँ पे 3 दिन हो गया था होटल में ऑलमोस्ट। आज का सुबह का नाश्ता है पोहा, उपमा और पराठा। गाइस अभी होटल से हम लोग चेकआउट कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 8:45 बजा हुआ है। हम लोग श्रीनगर में हैं और श्रीनगर से अभी निकल रहे हैं। दोस्तों श्रीनगर से पालगांव आपको बाय रोड ही जाना पड़ेगा और ये 2 घंटे से 2.5 घंटे का डिस्टेंस है और ये 91 किलोमीटर तक आपको श्रीनगर टू पालगांव पहुंचने के लिए लगेगा। वहाँ पे बहुत सारे अच्छी अच्छी जगह हैं जो कि आप विजिट कर सकते हो। तो पहला है चंदनवारी, बेताब वैली, आरू वैली, ट्यूलिन लेक, मामलेश्वर टेम्पल, शेषनाग लेक, कश्मीर वैली, हरभगन लेक, डबियांग वैली, डेनो वैली, ऐसे बहुत सारे जगह हैं तो वो आप घूम सकते हो। और आपका ज्यादा दिन का प्लान है तो आप ट्रेकिंग के लिए भी वो प्लान कर सकते हो वहाँ पे। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल के पास। यहाँ पे पहलगांव में हम लोग रुकने वाले हैं। हम लोग वैली जाने वाले हैं तो अभी रेडी हो रहे हैं, हमारे पोनी भी रेडी हो रहे हैं। तो अभी निकलेंगे यहाँ से तो वो ऑलमोस्ट 13-14 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे। हमारे ड्राइवर भाई को छोड़ के जा रहे हैं, देखिए थोड़ा आगे तक निकलेंगे। अभी ये भाई जान हमारे अभी साथ देंगे जाने के टाइम पे। आपका नाम? हयाज अहमद। गाइस अभी हम लोग होटल के पास से मिल गए भाईजान, तो हमको लेके जा रहे हैं। देखिए ये झरना, यहाँ पे बजरंगी भाईजान का शूटिंग हुआ था। एक है बहादुर और वो दूसरे वाले हैं मस्ताना, जिस पे अर्पिता बैठी हुई है। देखने के लिए चलते हैं, ये दोनों साथी रहेंगे हमारे आज के। जहाँ से आपको मैंने वो दिखाया था ना बजरंग की बाजार, अच्छा वहाँ पे शुरू होता है तो वहीं से अमरनाथ का, वहीं से समझो यहाँ से 16 किलोमीटर गाड़ी का होता है। अच्छा, और फिर आगे से 32 किलोमीटर। अच्छा हाँ, चंदनवाड़ी से 32 किलोमीटर कंजन पहुँचा। तू इधर का फोर्स जाता है, हर कोई रहता है उधर, हर कोई डिपार्टमेंट रहता है उधर। दोस्तों ये है पहलगांव विलेज, तो आप देख सकते हो ये कश्मीर का लास्ट विलेज है। तो एकदम बढ़िया से ब्यूटीफुल का नज़ारा यहाँ पे है। घोड़े वगैरह यहाँ पे पानी पीते हैं। दोस्तों अभी हम लोग घोड़े से ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर तक आ गए हैं आगे और चल रहे हैं आराम आराम से। गाइस यहाँ पे बर्फ़ की वजह से पानी रास्ता थोड़ा ख़राब हो गया है। ठीक है।
गाइस अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं स्विट्जरलैंड पॉइंट पहुंचने के लिए, और सिर्फ 2 किलोमीटर बाकी है। तो ये देखिए बर्फ, दोस्तों देख सकते हैं बर्फ पूरा पड़ा हुआ है रास्ते में, और हम लोग जा रहे हैं घोड़े में। दोस्तों सामने है मिनी स्विट्जरलैंड, जो कि बाइसन भी बोलते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम लोग पहुँचने वाले हैं, अभी देखते हैं क्या है। गाइस अभी हम लोग पहलगाम में पहुँच गए हैं, कश्मीर का जो ब्यूटीफुल स्विट्जरलैंड जिसको बोलते हैं। तो ये है उसका एंट्रेंस, और ये टिकट काउंटर एडिट के लिए 30-30 रुपये हैं। गाइस अभी हम लोग स्विट्जरलैंड पॉइंट के अंदर हैं, देख सकते हो। और यहाँ पर बहुत सारा खाने का शॉप भी है, आप चाहें तो बहुत सारे एक्टिविटीज भी कर सकते हैं यहाँ पे। सर ये फोटो वोटो बनाएगा आपका। यहाँ पे देखिए ऐसे लोग आते हैं और पूछते हैं कि फोटो वोटो खींचने के लिए, वो अगर चाहिए तो आप कर सकते हो। और वहाँ पे सभी घोड़े खड़े हुए हैं पार्किंग में, और यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जो वो कर सकते हैं। और आगे देखिए कैसे पहाड़, गाइस देखिए हम लोग पहुंच गए मिनी स्विट्जरलैंड। घोड़े से बहुत मुश्किल से आए हैं हम लोग, देखिए पहाड़ के बीच में हरियाली और ये वैली। देखिए यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं आप ये बलून के अंदर, नहीं तो वहाँ पे जिप लाइन है, और यहाँ पे बस फोटो वोटो खींच सकते हैं, और ज़्यादातर कुछ एक्टिविटी वैसे कुछ नहीं है। जनवरी से अगर मार्च के अंदर आएंगे तो आपको हरियाली ज़्यादा दिखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। आप अगर अप्रैल के बाद आते हो तो यहाँ पे ज़्यादा हरियाली रहेंगे और अच्छा व्यूज़ रहेंगे। अभी के लिए सिर्फ बर्फ़ ज़्यादातर मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। दोस्तों ये व्यूज़ देख लीजिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा ये व्यूज़ में। देखिए ऊपर पहाड़, हरियाली, जंगल, ये फॉरेस्ट के अंदर ही आता है। फिर लोग आते हैं फोटो वोटो खिंचवाने के लिए। यहाँ पे देखिए ड्रेस वगैरह सब रखा हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं उसका रिजल्ट, और फोटो निकालते हैं वही ड्रेस में। और कुछ कबूतर रखे हैं, कबूतर को पकड़ के बस फोटो वोटो खींचना। दोस्तों हम लोग आलू का पराठा लेके आए थे, देखिए मिनी स्विट्जरलैंड में हम लोग आलू का पराठा खा रहे हैं, जो कि होटल से सुबह लेके आए थे। गाइस ये है स्विट्जरलैंड मिनी वाला, हम लोग आए थे यहाँ पे। अभी ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए हम लोग घूम चुके हैं, तो अभी निकलेंगे थोड़ी देर के बाद। गाइस ये स्विट्जरलैंड पॉइंट पे ज़्यादा कुछ आपको नहीं मिलेगा, एक फील्ड मिलेगा जहाँ पे घास है और बर्फ है साइड में, और पीछे कुछ माउंटेन्स है। गाइस अभी हम लोग पहलगाम विलेज में हैं, और ये रहा बाइसन जो मिनी स्विट्जरलैंड है, तो आप देख सकते हो मिनी स्विट्जरलैंड। गाइस चलिए अभी हम लोग निकलते हैं।
तो ये मिनी स्विट्जरलैंड से निकल रहे हैं हम लोग। चलिए पता नहीं और कब मिल सकते हैं। दोस्तों देखिए इतने सारे घोड़े में आए हैं लोग, घोड़े पार्क हुआ है यहाँ पे। घोड़े को दिखाने लायक नहीं है। अच्छा इसमें एक पहाड़ आता है उसका नाम ये कीचड़ वाला पहाड़ है। बाबा बर्फानी भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, जो भी कोई मन्नत मांगेगा पूरा। अच्छा गाइस ये है उनका टूरिज्म कार्ड, तो आप आके इनको कांटेक्ट कर सकते हो। मैं इनका नंबर दे दूंगा अपने ब्लॉग के डिटेल्स में। आपको डर, हमको डर लगता है। कम से कम 150 ऐसा ही ऊपर। गाइस अभी हम लोग घोड़े में बैठे बैठे ऑलमोस्ट हो गया है 1.5 घंटा तक। चलिए चलते हैं। और भी गाइज अभी हम लोग नीचे उतर चुके हैं और थोड़ा टाइम के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे गांव के पास। गाइज अभी हम लोग पहलगांव में आ चुके हैं। ये रहा फिर से गांव का व्यू और हमारे होटल के पास जाएंगे अभी। दोस्तों पहलगांव का जो जर्नी है वो कंटिन्यू रहेगा। चलिए मिलते हैं हम रह रहे नेक्स्ट ब्लॉग पे। फिर से पहलगांव में ही मिलते हैं लेकिन दूसरी जगह के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस। अभी हम लोग जो घोड़े से आए एकदम कीचड़ था, तो देखिए मेरे शूज़ का क्या हालत हुआ है।